नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। राजधानी जयपुर के नरेना में 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुरेश बलाई को फांसी की सजा देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि जयपुर जिले में ऐसे मामलों में पॉक्सो कोर्ट की ओर से पहली फांसी की सजा दी गई है, वहीं प्रदेश में यह 5वीं फांसी की सजा होगी। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में 39 गवाहों के बयान करवाने के साथ ही 140 दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य पेश किए गए हैं। बता दें कि पॉक्सो कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए 4 फरवरी को आरोपी सुरेश को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 11 अगस्त 2021 को घटना है, जिसमें मुंजिम द्वारा पीड़िता को मोटरसाइकिल उठा कर ले गया और ले जाने के बाद रेप किया। रेप करने के बाद हत्या की। 12 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 तारीख को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुमार शंकर दत्त शर्मा साहब, उनके संपूर्ण साहब धर्मेंद्र यादव, नीतीश शर्मा जी, कीर्ति सिंह, कॉन्स्टेबल तारा चंद, मंगल सिंह, इन सब लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी अनुसंधान टीम रख गई। टीम ने 13 तारीख को मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने और एक्शन लेते हुए SID गठित की। SID गठित करने के बाद पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 तारीख को चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि गंभीर प्रकृति का केस है और प्रतिदिन सुनवाई की जाए। हम न्यायालय द्वारा हमारी मांग को स्वीकार किया गया और प्रतिदिन सुनवाई की गई। और प्रतिदिन सुनवाई करने के बाद मुलजिम को दोषी करार दिया गया। अभियोजन की ओर से 41 गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों ने अभियोजन की कहानी को कैद किया। इसके लिए मैं सभी गवाहों का धन्यवाद देता हूँ और पुलिस का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसको बड़ी पूरी कर ली। हमने कोर्ट में 145 दस्तावेज प्रस्तुत किए और 41 गवाह पेश किए। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें अभियुक्त सुरेश को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। इसके लिए पुलिस और संपूर्ण हमारे गवाह सब बधाई के पात्र हैं। पूरी जनता, जयपुर की और पूरे राजस्थान की जनता बहुत खुशी की बात है कि ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे हत्यारे को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से दंडित किया गया। न्यायालय पर भरोसा था कि जिस तरह का अपराध जो हुआ है, मुलजिम ने जो किया है, उसकी सजा उसे कम से कम है मृत्युदंड जो मिलनी चाहिए थी। जो आज हमारा भरोसा था न्यायालय के इस फैसले से, हमारा भरोसा सही साबित हुआ है। न्यायालय पे जो विश्वास था वो विश्वास और मजबूत हुआ है। न्यायाधीश महोदय ने जो फैसला दिया है वो सबूतों के आधार पर, चूँकि FSL रिपोर्ट थी जहाँ कन्फर्म हुआ था कि जो मुलजिम के DNA सैंपल वगैरह जो लिए गए थे वो मैच हुए थे, जिसके आधार पर ये फैसला दिया गया है, तो हमारा जो विश्वास था वो पूरी तरह मजबूत हुआ है। दोषी को फांसी की सजा आज अदालत द्वारा सुनाई गई। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TPV News।